दोस्तों सीखी सीखा मैं सूरज, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले बुकमार्क्स के बारे में। आप अक्सर ब्राउजर पे विजिट करते होंगे, देखते होंगे बुकमार्क्स का ऑप्शन है, हिस्ट्री एंड बुकमार्क्स। तो हिस्ट्री के बारे में तो हम जानते हैं कि जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो क्या हमने कुछ किया है इस ब्राउजर में, वो सब हिस्ट्री में मिल जाता है हमें। लेकिन तो बुकमार्क्स क्या होता है, तो चलिए आज की वीडियो में इसी को समझते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या होता है बुकमार्क, कैसे हमें इसे यूज करना है। तो दोस्तों बुकमार्क यहाँ पे अगर हम संधि विच्छेद करें इसे, तो बुक्स और मार्क्स, मतलब बुक्स जो हम जानते हैं नॉर्मली बुक्स होता है, और मार्क्स मतलब उसमें कोई मार्क्स करना, कोई चिन्ह करना इसमें। तो बुकमार्क्स का यूज ब्राउजर में किया जाता है, क्यों? जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी दुनिया में वेबसाइट्स है, बहुत तरह तरह के वेबसाइट है, हमें वहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग वेबसाइट पे हर दिन अलग अलग कितने सारे वेबसाइट पे हम विजिट करते हैं। अब हम हर वेबसाइट का कोई URL जैसे कि www.facebook.com या तो फिर किसी वेबसाइट का नाम ही याद रखने के लिए कितने सारे वेबसाइट है, सबके नाम और URL तो हम याद रख नहीं सकते, तो उसे हम मार्क्स करते हैं, तो उसे बुकमार्क्स करते हैं। अगर हम कोई बुकमार्क करके रख देते हैं तो उस बाद में हमें उस वेबसाइट का URL नहीं ढूंढना होता, सिर्फ हमें बुकमार्क्स में जाना होता है अपने ब्राउजर के, और वहां हम अच्छे से ढूंढ पाते हैं बुकमार्क्स क्या हमने किया है, और वहां पे पर्टिकुलर नेम भी हम रख सकते हैं खुद अपने मन से कि किस चीज के लिए वेबसाइट है। तो चलिए आपको लेके चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पे, दिखा दो बुकमार्क्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने फोन में, कोई भी ब्राउजर में बुकमार्क्स को कैसे यूज करते हैं और कैसे इनसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फोन के स्क्रीन पे। तीन अलग अलग ब्राउजर में आपको दिखा दो बुकमार्क्स कहाँ होता है, कैसे इसको यूज करना है। तो मेरे पास यहाँ पे Xiaomi का फोन है, सबसे पहले मैं Xiaomi का यहाँ पे मीर ब्राउजर ओपन करता हूँ। मीर ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे नीचे थ्री लाइंस आपको एक दिख रहे होंगे, तो थ्री लाइंस आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो थ्री लाइंस पे आप क्लिक करते हैं सिंपली, आपको यहाँ पे मेरा ID या भी होम पे आपको जो भी देखने को मिलता है, सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं बुकमार्क्स एंड हिस्ट्री का एक ऑप्शन है, तो यहाँ बुकमार्क्स के अंदर जाते हैं, ये बुकमार्क्स मैंने कर रखे ऑलरेडी, तो ये सब वेबसाइट को अगर विजिट करना हो मुझे तो यहाँ पे मुझे इसके लिए याद नहीं रखना होगा कि ये वेबसाइट पे मुझे विजिट करना है इस चीज़ के लिए। यहाँ पे हिस्ट्री तो आप जानते हैं लोकल फाइल यहाँ पे है, तो बुकमार्क्स मैंने कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ऐड बुकमार्क्स करना है आपको सिंपली, और यहाँ पे नेम, अगर जैसे कि यहाँ पे फेसबुक का कोई वेबसाइट है तो फेसबुक लिख दिया मैंने, यहाँ पे URL क्या है तो www.facebook.com ओके, तो ये हमने facebook.com ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देते हैं, तो ये हमारा बुकमार्क्स ऐड हो गया, आप देख सकते हैं फेसबुक के नाम से। अब सिंपली इसे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये फेसबुक के वेबसाइट पे हमें ले जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए फेसबुक के वेबसाइट पे आ गया, तो मुझे यहाँ पे फेसबुक का कोई भी URL याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसका नाम याद रखना है। बुकमार्क्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं अच्छे से, अगर हमें बुकमार्क्स वो नहीं चाहिए तो सिंपली यहाँ से मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके, तो ये हो गया। और अगर जैसे हम कोई पर्टिकुलर कोई, चलिए ये मैंने ले लिया, यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल हमें अच्छा लग रहा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में पढ़ना है अगर मुझे इस आर्टिकल को, सिंपली हम इसे बुकमार्क्स कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने इसे थ्री लाइंस पे क्लिक किया, आप नीचे देखेंगे चार ऑप्शन आपको दिख रहा है बिल्कुल लाइन से नीचे, एक स्टार दिख रहा है, एक शेयर का क्लिक मोड दिख रहा है, एक यहाँ पे मून दिख रहा है, और यहाँ पे एग्जिट का एक ऑप्शन दिख रहा है। सिंपली आपको स्टार पर क्लिक कर देना है, स्टार पर आप क्लिक करेंगे तो ये बुकमार्क्स ऐड कर रहा है, और यहाँ पर आपको नीचे वाले लाइन में आप देखेंगे सेकेंड ऑप्शन आपको जो मिल रहा है उसमें इसका URL है, और ऊपर आपको यहाँ पे इसका कुछ भी नाम उसने सजेस्ट कर दिया, आप खुद से नाम रख सकते हैं जैसे कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे आर्टिकल, ओके, तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल के नाम से मैंने यहाँ पे URL इसका जो भी था उसे मैंने बुकमार्क्स कर दिया है। अब यहाँ पे हम जाते हैं अगर बुकमार्क्स एंड हिस्ट्री में, तो ये जो मैंने इम्पोर्टेंट आर्टिकल रखा था उसे सिंपली क्लिक करेंगे तो उस वापस से हम उस पेज पे पहुँच जाएंगे जिसे मैंने बुकमार्क्स किया था। तो इस तरह से बुकमार्क्स वर्क करता है, अगर हमें बुकमार्क्स यहाँ पे करके रखते हैं तो बाद में हम उसका URL ढूंढना नहीं पड़ता, हमें कोई भी वेबसाइट हो या कोई भी पोस्ट हो कुछ भी हो तो इसके लिए आपको वहाँ पे ये बार बार विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे दूसरा ब्राउज़र में चलते हैं, तो यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये क्रोम को मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे भी अगर हम ऊपर थ्री लाइंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आपको बुकमार्क्स एंड हिस्ट्री, तो बुकमार्क्स का ऑप्शन है, तो बुकमार्क्स के अंदर गए तो ये बहुत सारे बुकमार्क्स कर रखे हैं मैंने, तो यहाँ पे पेपल या तो फिर यूट्यूब का डैशबोर्ड, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे earncaro.com के बारे में बताया था, तो earncaro.com मुझे वेबसाइट याद नहीं रखना बार बार, तो मैं इसे सिंपली बुकमार्क्स कर रखा है, वहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं इसे तो सिंपली ये हमें अपने होम पेज पे ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं earncaro.com कहाँ पे है, क्या है, ये पूरा उसके बारे में डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। अगर हमें जैसे कि एक और यूज़फुल फीचर इसका क्या होता है, जैसे बुकमार्क्स के अंदर गए, यहाँ पे अगर यूट्यूब के डैशबोर्ड हमें खोलना है, अपना पूरा चेक करना है अपने चैनल के बारे में, तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, यूट्यूब को ओपन करना होगा। यूट्यूब ओपन करने के बाद में मुझे
सिंपली यूट्यूब ओपन करने के बाद वहाँ पे जाना होगा क्रिएटर स्टूडियो में, उसके बाद में जाना होगा डैशबोर्ड में। तो अगर सिंपली यहाँ पे मैंने डैशबोर्ड को ही बुकमार्क्स कर दिया, तो सिंपली एक क्लिक में मैं डायरेक्टली यूट्यूब के डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं मैनुअली यहाँ पे youtube.com खोलता हूँ और इस तरह से जाता हूँ, तो यूट्यूब स्टूडियो डैशबोर्ड में जाने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाता है। ऐसे बुकमार्क्स काम करते हैं और बहुत ही अच्छा होता है आपके लिए। चलिए यहाँ से अब हम बाहर चलते हैं और एक और लास्ट ब्राउज़र हमारे पास यहाँ पे क्रोम है, तो इसमें भी देख लेते हैं। तो क्रोम ब्राउज़र में सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे ओपेरा ब्राउज़र है। तो ओपेरा ब्राउज़र में क्या है कि सिंपली ऐसे ही ओपेरा के यहाँ पे साइन है, ओपेरा के साइन पे यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बुकमार्क्स का ऑप्शन है। तो बुकमार्क्स से मैंने जो भी कर रखा है, जैसे मैंने एक बुकमार्क्स कर रखा था आर्टिकल को, तो ये सिंपली हम यहाँ से इस पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर इसे बुकमार्क्स करना हो तो सिंपली इस पर क्लिक करके आपको बुकमार्क्स करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ ऊपर 3 लाइन्स पर क्लिक करते तो आपको बुकमार्क्स ये ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे बुकमार्क्स कर सकते चाहे तो इसे। तो ये है बुकमार्क्स, होप कि आपको समझ में आएगा बुकमार्क्स क्या है, क्या इसके यूजेस है और कहाँ इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही था वीडियो में, चलिए अब यहाँ से हम बाहर चलते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये है बुकमार्क जो कि काफी यूजफुल है। अगर हम ब्राउजिंग करते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो बुकमार्क्स हमें बहुत यूजफुल होता है हमारे लिए। जहां पर बुकमार्क्स करके रखते हैं तो आसानी से हम वापस उस वेबसाइट पे विजिट कर पाते हैं। तो होप कि आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे, समझ गए होंगे बुकमार्क्स क्या होते हैं। तो बस ये था वीडियो में, होप कि आपका वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा चैनल को, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड वाले बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।